एवरीवन, वेलकम बैक टू योर आरपीआईटी यूट्यूब एकेडमिक चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज़ दीक्षा। आई एम सीनियर नर्सिंग ट्यूटर आरपीआईटी कैंपस बस्ताड़ा करनाल। टुडे आई हैव डिस्कस माय प्रीवियस टॉपिक क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। सो इन दिस सेशन आई हैव डिस्कस अबाउट क्लेफ्ट लिप रिपेयर, हाउ इट क्लेफ्ट लिप ट्रीटेड। हम जो भी पर्सन को क्लेफ्ट लिप है कैसे ट्रीट करेंगे। तो ऑल द क्लेफ्ट लिप रिक्वायर सम फ्रॉम सर्जिकल ट्रीटमेंट। देखो, किसी भी टाइप का क्लेफ्ट लिप होएगा सर्जिकल ट्रीटमेंट के बिना ठीक नहीं होएगा। तो दीज आर डिफरेंट ऑपरेशन दैट मे यूज फॉर द क्लेफ्ट लिप। बहुत टाइप के ऑपरेशन हैं जो यूज किए जाते हैं क्लेफ्ट लिप के लिए। इफ़ योर चाइल्ड हैज़ ए बाइलेटरल कम्प्लीट क्लेफ्ट लिप और यूनिलेटरल कम्प्लीट क्लेफ्ट लिप, the use of the dentofacial orthopedic is often recommended as a step। हम unilateral और bilateral patient के लिए क्या करते हैं, dentofacial orthopedic recommended use करेंगे। an incomplete cleft lip either unilateral or bilateral is usually repaired in a single operation when the child is between 3 to 5 months of age। during the operation a plastic surgeon use the existing muscle and tissue of the child lip and nose to close the cleft and correct the baby nasal asymmetry the shape of nose। देखो, nose के मास हैं वो भी proper connected नहीं होते, तो उसको repair के लिए हम ये सारे चीज़ें करेंगे, ठीक है। before the heavy repair operation some children first need a procedure called a lip nasal adhesion। तो सबसे पहले वो लगे, कई बार क्या होती है, नीड होती है कि लिप नेजल एडहेशन करे। दिस प्रोसीजर इज बिटवीन टू द एज 1 to 4 months तक हो जाना चाहिए। इसमें 3 steps हैं, क्लोजिंग द गैप ऑफ द लिप, जो भी गैप ज़्यादा है उसको क्लोज करेंगे। टेकिंग द फर्स्ट स्टेप टू करेक्ट द पोजिशन ऑफ द नोज, जो भी नोज की पोजिशन है उसको हम क्या करेंगे, अच्छे से करेक्ट करेंगे। देन इफ पॉसिबल चूजिंग द गैप ऑफ गम, ठीक है, अगर पॉसिबल है तो जो भी गम्स वगैरह में जो भी गैप वगैरह आएगा, दिस स्टेप इज आल्सो रेफर टू एज ए, ठीक है, जिंजियो वो प्रेटियो प्लास्टिक करेंगे। आगे जाता है, विल द चाइल्ड नीड टू ए एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर ए रिपेयर। देखो, अब देखो, हॉस्पिटल में तो एडमिटेड करना ही पड़ेगा चाइल्ड के लिए, तो कैसे कैसे करेंगे। देखो, इस पेशेंट की क्यों है प्रॉपर जरा भी पता भी नहीं लग रहा है कैसे की है। तो यस, बिकॉज द क्लेफ्ट लिप रिपेयर प्रोसीजर आर परफॉर्म्ड इन द ऑपरेटिंग रूम। हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ता है बच्चे को, घर पे या नहीं होएगा या हॉस्पिटल में ऐसे ही, ठीक है, क्योंकि पेशेंट बच्चे को ऑपरेटिंग रूम में लेके जाना पड़ेगा, फ्री फॉर इन्फेक्शन हमारी अच्छी से सर्जरी हो। अंडर जनरल एनेस्थीसिया के अंडर ये हमारा ऑपरेशन होएगा। यू चाइल्ड विल नीड टू स्टे इन द हॉस्पिटल, और बच्चे को 2-3 दिन के लिए हॉस्पिटल रहना भी पड़ेगा रिकवरी के लिए, ठीक है। यू और योर चाइल्ड अदर गार्डियंस विल बी एबल टू स्टे इन द बेड साइड, ठीक है। बच्चे के फादर या मदर में से हम क्या करते हैं, पेरेंट्स को रखते हैं, ठीक है, बेड साइड। एंड आवर नर्सिंग टीम विल बी हैव टू गाइड यू थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ फीडिंग, और साथ में नर्सिंग टीम भी होती है कि गाइड करने के लिए कि कैसे कैसे हमने बच्चे को फीड करवाना है। सेवरल वीक एंड रिजल्टिंग स्कार मे टेक सो लॉन्ग एंड ईयर टू सॉफ्टन एंड फेड, ठीक है। सेवरल, देखो, कई ईयर तक तो वो रहता है निशान, बट हल्का हल्का फेड पड़ जाता है थोड़े दिनों बाद। तो ऑल थ्रू आउट दिस स्कार विल नेवर कम्प्लीटली डिसअपियर, पूरी तरीके से स्कार डिसअपियर तो नहीं होता, बट इट विल बी बिकेम ऑलमोस्ट विजिबल ओवर टाइम, हल्का हल्का वो क्या होता है, विजिबल होता है ओवर टाइम। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आर पी आई टी यूट्यूब अकेडमिक चैनल। प्लीज़ कंटिन्यू द टॉपिक, ज्वाइन माई सेकेंड सेशन। थैंक यू।